बार रिमेनिंग रो बचता है ओ एच, ओ एच कितने हैं यहाँ पर तीन, ये तीनों ओ एच जाकर आप क्या चले आते हैं किसके साथ में आपको ई सी एच टू के साथ में, ई सी एच टू के साथ में, ई सी एच टू के साथ में, तो फॉर्मेशन बनता है सी एच टू एच, सी एच टू एच और सी एच टू एच का, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, एक बार फिर से देखिए सी एच टू ओ सी ओ आर, सी एच ओ सी ओ आर, सी एच टू सी ओ आर, ये फैट का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहाँ से आर सी डबल ओ, आर सी डबल ओ, आर सी डबल ओ प्लस एन, तो फॉर्मेशन होता है सी आर सी डबल ओ एन का, जिसको बोलते हैं हम सो। बाकी रिमेनिंग ग्रुप का आपका बचता है ओ एच, तो तीन ओ एच जो रहते हैं ये तीनों एक एक ग्रुप के साथ में एड होकर सी एस टू ओ एच, सी एच टू एच, सी एस टू ओ एच का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद इसकी दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन, ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोजन के बाद देखते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन का फॉर्मूला हम करते हैं ट्राइवेलेंट का हाइड्रोजनेशन। इस हाइड्रोजनेशन में आप देख लीजिए ये फॉर्मूला है ट्राइवेलेंट का सी एच टू ओ सी ओ सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री, सी एच ओ सी ओ सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री और सी एच टू ओ सी ओ सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री। तो ये लास्ट वाले ग्रुप से आप थोड़ा सा फोकस करिए तो यहाँ पर सारे ग्रुप देखते हैं सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री, सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री और सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री। जब हाइड्रोजनेशन में छः हाइड्रोजन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिक्स हाइड्रोजन, तो ये जो लास्ट वाला फंक्शन होता है सभी में आप देखेंगे यहाँ सी सेवेंटीन एस थर्टी थ्री है, यहाँ पर है सी सेवेंटीन एस थर्टी फाइव, मतलब सभी में दो हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं, जो तीनों एक बहुत जुड़े हुए हैं, इन तीनों में थर्टी थ्री की जगह थर्टी फाइव, थर्टी फाइव और थर्टी फाइव हो गया है। ठीक है, सी सेवेंटीन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, कार्बन नंबर में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आप करते हैं ट्राइवेलेंट का, तो सी एच टू ओ सी ओ सेम है, सी एच टू सी ओ सेम है, सी एच टू ओ सी ओ ये भी सेम है, बस आपको एक हल्का सा चेंज करना है सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट में, यहाँ पर एस थर्टी थ्री की जगह पर एस थर्टी फाइव बस लिख देना है और ये फॉर्मेशन कर लेगा ट्राइस्टेरेन का। तो ये रिएक्शन हमें लिखनी है किसमें, हाइड्रोजनेशन में ये रिएक्शन लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस इसमें हम स्टीयरिंग रहते हैं,
इसमें देखिए रिएक्शन में सबसे पहले स्टीयरेंस CH2O CO 17 S35 CH2O CO 17 S35 CH2O CO 17 S35 ये होता है फॉर्मूला स्टीयरिंग का। 200 एटमॉस्फेयर पर यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है। यहाँ पर CH2O CHO और CH2O ये तीन ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप के साथ में क्या है OH जुड़ जाएगा, सेपोनिफिकेशन में देखिए ये लेते हैं ट्राइपामिडिन। ट्राइपामिडिन का फॉर्मूला होता है CH2O CO C15 S31 CHO CO C15 S31 CH2O CO C15 S31। दिस इज कॉल्ड ट्राइपामिडिन। ट्राइपामिडिन रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टडी करना है और रिटर्न प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।